होशिया से कांग्रेस विधायक दिव्या मदेना ने महिला सुरक्षा को लेकर अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा किया था। दिव्या ने जोधपुर प्रकरण के संदर्भ में कहा था कि मैं क्या बताऊं, मैं तो खुद ही सुरक्षित नहीं हूं, मुझ पर पुलिस सुरक्षा में हमला हो जाता है और आरोपी अब तक नहीं पकड़े गए। कांग्रेस विधायक इस बयान के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने गहरी नाराजगी जाहिर की थी। इसके बाद ही दिव्या मदेना को प्रदेश प्रभारी ने तलब कर उनकी क्लास ली और नाराजगी जाहिर करते हुए उन्हें पार्टी प्लेटफॉर्म पर ऐसी बात रखने की नसीहत दी। हालांकि रंधावा ने दिव्या की बयानबाजी को लेकर कहा था कि उन्होंने अपने मन की बात कही है, इसमें कोई अनुशासनहीनता की बात नहीं है। जबकि अपने तीखे देवर के लिए पहचान रखने वाली दिव्या मदेना खामोश है। रंधावा की क्लास के बाद गुमसुम और कोई भी टिप्पणी करने से बचती नजर आई। इससे पहले विधायक दिव्या हर मुद्दे पर अपनी बेबाक राय रखती आई हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि गुढ़ा पर गाज गिरने के बाद पार्टी के और भी कई नेता रडार पर हैं, जिन्हें अब आखिरी मौका दिया जा रहा है। यदि वो फिर भी नहीं माने तो पार्टी सख्त एक्शन ले सकती है। यही असर प्रदेश प्रभारी की फटकार के बाद दिव्या मदेना में भी देखने को मिला, जिन्होंने अब चुप्पी साधने में ही भलाई समझी है। जबकि दिव्या ने शांति धारीवाल और सरकार को सदन के अंदर से लेकर बाहर तक जमकर कोसा है और आरोप लगाए हैं। लेकिन अभी दिव्या के सुर बदले हुए हैं और उनको भी शायद डर सता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि उन पर भी कार्रवाई हो जाए।